ऑल राइट गाइस, तो मैं मेरे गेम के अंदर आ चुका हूँ। तुम देख सकते हो ये जो सामने, ये मेरा घर है, किसी और का नहीं, मेरा खुद का घर है भाई। कितना बड़ा बंगला दे रखा है इन्होंने, कसम से मैं बहुत ज़्यादा अमीर होऊंगा। मेरी शॉप पे लाखों लोग लाइन लगाते होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि भाई इतना बड़ा घर एक बिजनेसमैन का हो सकता है, वो भी एकदम सक्सेसफुल। भाई मज़ा आ गया यार। चलो अपन फटाफट से चलते अपने गैरेज के साइड, और अपने गैरेज के साइड एक कार खड़ी है, और ये कार कितनी प्यारी है। अपन और कार भी खरीदेंगे अपने पास जब पैसा होगा, तो अपन फटाफट से बैठ जाते हैं और अपन सीधे चलते हैं अपने शॉप के साइड। तो पहले मेरे को ये देखना पड़ेगा मेरी शॉप कहाँ है। यहाँ पे अपन मैप पे चलते हैं, और यहाँ पे क्या लिखा, योर पोजिशन न्यू मिशन, मिशन कम्प्लीट योर होम। भाई कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे, द सिटी ऑफ बीटा मार्ट। ओके यहाँ पे मेरा मार्ट कहाँ है, हाँ यहाँ पे देखो योर मार्केट लिखा है, मेरा मार्केट सबसे लास्ट में कॉर्नर पे। तो अपन फटाफट से मेरे मार्केट में चलते, मेरे मार्केट मतलब मेरी शॉप पे। और वैसे भाई रात होने वाली है, एक काम करूँ मैं सुबह करके आता हूँ। अच्छा भाई मैं जैसे ही बाहर निकला ना, देखो कहाँ हो रही है रात भाई, कार इतनी गंदी हो रही है कि कार के अंदर बैठे बैठे लग रहा है कि बाहर अंधेरा हो गया है। बाप रे भाई, इसको साफ करना पड़ेगा। चलो अपन बाद में साफ करेंगे, अभी तो पहले अपन शॉप पे चलते हैं यार अपनी। और गाइस यहाँ पे अपन बीटा मार्ट पे पहुँच चुके, यही है मेरी शॉप। तो अपन फटाफट से मेरी शॉप पे एंटर करते हैं। लेकिन भाई कितना प्यारा लिखा है ना बीटा मार्ट, इसको मैं हटा के मेरी शॉप का नाम दे सकता हूँ क्या, अपन देखेंगे। और यहाँ पे क्या लिखा है, ओपन। ये मेरी शॉप ओपन है कि क्लोज है, अभी तो वैसे क्लोज होगी। और ये भाई मेरा एम्प्लॉय है क्या, इससे बात करूँ, एंटन है ये, कैसा नाम है? ओ एंटन, नाम चेंज कर पहले तेरा है, मैं ऐसे एम्प्लॉय का रुकूंगा नहीं, नाम थोड़ा अच्छा करो यार। चलो इससे अपन बात करते हैं। क्या लिखा, हैलो मैनेजर। हाँ भाई बोल। When I am cleaning up, I get a ladder. Maybe it will be useful to put the product. अरे क्या बोलना चाह रहा है, मेरे को नहीं सुनना। हाँ नहीं तो क्या, माथा मत खराब कर मेरा, मैं तेरी इंग्लिश सुनने को नहीं आया हूँ। तो गाइस यहाँ पे ना अपने को थोड़ा बहुत काम करना है, लाइक ये जो मिल्क पाउडर है और ये जो टॉयलेट टिश्यू है, इसको अपने को दुकान में सजाना है। तो सजाने से पहले मुझे वो लगाना पड़ेगा, क्या बोलते हैं उसको, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अरे हाँ, रैक, रैक अपने को लगाना पड़ेगा। और रैक आ रहा है यहाँ पे $150, और अभी मेरे पास $1000 है। तो अपन $150 इन्वेस्ट करके एक रैक नहीं खरीद लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे अपन रैक अपन ने खरीद लिया, अब अपन इसको प्लेस कर देते हैं, और मेरे हिसाब से इसको रोटेट करना चाहिए, ठीक है? तो अपन इसको, अरे कहाँ गया, हाँ ठीक है। अरे भाई अदर्स, मेरे पास वो था ना रैक, कहाँ गया भाई, प्लेस आइटम, हाँ ठीक है ठीक है। अब इसको अपन रोटेट करते हैं, राइट साइड में रोटेट करना है, लेफ्ट साइड में रोटेट करना है, अरे 90 डिग्री से इसको, हाँ ठीक है। अब इसको थोड़ा सा पीछे करके यहाँ पे अपन कर देते हैं प्लेस। उसके बाद यहाँ पे सारे आइटम्स रख देते हैं, इससे अपन पूरा ही टेक करके यहाँ पे अपन प्लेस कर देते हैं, और एक एक करके अपन मिल्क पाउडर रख देते हैं। और वैसे ये छोटा पड़ेगा ना भाई, मेरे को बड़ा लेना था यार, मैंने पैसा लगाया तो सही, लेकिन मैंने ढंग से नहीं लगाया। चलो ठीक है, इसको अपन फटाफट से लगा देते हैं यहाँ पे। गाइस तुम देख सकते हो, मैंने एक ही रैक के अंदर सारा का सारा सामान भर दिया। भाई यहाँ पे ना कस्टमर भी बोलेगा कितना कंजूस मालिक है यार। चलो कोई नहीं, बाद में अपन खरीद लेंगे यार, जब अपन अमीर होंगे ना। तो यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे रैक ही रैक लगा देना, पूरा शॉप रैक रैक से भर जाएगी। चलो अभी अपन फटाफट से अपनी शॉप को ओपन करते हैं। और शॉप ओपन करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को एक लैपटॉप को प्लेस करना पड़ेगा, और लैपटॉप ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है, तो अपन इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। चलो इसको अपन ने कर दिया प्लेस, अब अपन इसको यूज़ करते हैं। और यहाँ पे गेट एक्सरसाइज करके कुछ चीज़ें इस पर अपन जाते हैं, और अपनी शॉप को ओपन। अच्छा इधर नहीं होगा क्या, कहाँ से होगी शॉप अपनी ओपन? और अच्छा गैस मार्केट वाले से होगी, यहाँ पे अपन स्टेटस में आ चुके हैं। अब अपन कर देते हैं अपनी शॉप को ओपन, यहाँ पे कर दिया। और अपन इसका नाम चेंज करने के लिए $100 ले रहा है, कितना बदतमीज गेम है और कसम से भाई, $100 ले रहा है सिर्फ नाम चेंज करने के लिए। ऊपर बीटा मार्ट लिखा है ना, उसकी जगह मेरे को अपना नाम लगाना था शॉप पे, तो $100 ले रहा है। मैं अपनी खुद की दुकान के नाम के लिए पैसे दूँ यार, ये तो बदतमीजी यार। चलो ठीक है, यहाँ पे अपन फटाफट लिख देते हैं प्रणव शर्मा शॉप। अरे लेकिन कैपिटल में लिखूंगा ना मैं। गाइस यहाँ पे मैंने अपनी शॉप का नाम रखा है प्रणव जनरल स्टोर, और यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, ठीक है? यहाँ पे प्रणव जनरल स्टोर हो चुका है। अब अपन यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं, और भाई देखते हैं भाई इनने मेरे से $100 ले तो लिए, किया कि नहीं किया। और गाइस यहाँ पे कर दिया इन्होंने प्रणव जनरल स्टोर, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है, इन्हें कलर अच्छा नहीं किया, और मेरे प्रोडक्ट सोल्ड हो गया। हेलो थैंक यू गाइस, ये बंदा दिख रहा भाई, ये एकदम खतरनाक लिख रहा है, गुंडा वुंडा टाइप लग रहा है भाई, इसने मेरे दुकान शॉप से सामान खरीदा, उसने भी खरीदा। हेलो थैंक यू आपकी वजह से मेरी शॉप चलती, आते रहना है ना, आते रहना हो भैया। ओए ओ साले सुन तो ले गाइस, मेरी शॉप ना बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है, मैं ना अभी खड़े खड़े मेरे को $100 मिल गए, जितने मैंने नाम में लगाए थे ना $100, वो मुझे ऐसे ही मिल गए। और देखो वो, ये तो भैया साका लाका बुम बुम वाली पेंसिल भी कुछ चीज़ खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है भाई तू,
इसने गाइस कुछ ना कुछ तो खरीदा है भाई, मेरे को भी बता यार क्या खरीदा है तेने। ओए इसने खरीदा है, अच्छा मिल्क पाउडर खरीदा है $20 में, ठीक है। और गाइस मैं सोच रहा हूँ ना, अपनी शॉप पे ना बहुत कम सामान है, दो ही चीज़ें, एक टिशू पेपर और एक मिल्क पाउडर। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपने शॉप पे और भी सामान होना चाहिए, तो अपन फटाफट से कार से चलते हैं कोई दूसरी शॉप से और स्टॉक का स्टॉक लेके आते हैं और यहाँ पर रैक पर लगा देंगे, ठीक है। और ये अपना एम्प्लॉय तो पूरी शॉप को मैनेज कर ही लेगा, तो अपन फटाफट से कार से चलते हैं। और वैसे भाई शॉप क्या चल रही है यार, लिटरली अपन ऐसे तो अमीर हो जाएंगे। चलो फटाफट से मैं कार में बैठता हूँ और अपन चलते हैं एक शॉप पे। और शॉप का अपने को रास्ता पता नहीं है, तो पहले अपने को मैप पे जाना पड़ेगा। मैप पे जाने के बाद अपने को देखना है कहाँ है भाई शॉप, मिस्टर कैंडक शॉप। कैसे भाई मिस्टर कैंडक शॉप, पुत्री इलेक्ट्रॉनिक है ये, किसी इलेक्ट्रॉनिक है पुत्री इलेक्ट्रॉनिक, वाह यार क्या नाम है। और डिटो पेंटिंग शॉप, योगी बचर, बर्नर शॉप, बर्गर शॉप, अच्छा बर्गर शॉप है, मिस्टर कंडक फर्नीचर, गैस स्टेशन, अहमद बार, भाई यार क्या क्या चीज़ें यार, परम कार शॉप। अरे वैसे यहाँ पे मेरे शॉप के पास भी एक बार था, अपन वो बार पे चलते ना भाई, कुछ पियेंगे वियेंगे भाई, अमीर तो हो ही गया। चलो अपन फटाफट से बार पे चलते हैं। और वैसे भाई वो बार पे बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो सकती है। और फिर अच्छा ये मिल्क भी का, हेलो थैंक यू, खरीदते रहियो। और भाई यहाँ पे अच्छा ऑटो सेव भी हो रहा है क्या गेम, चलो ठीक है। और यहीं पर कहीं बार था, कहाँ गया, हाँ ये रहा बार, ओपन है ना, हाँ ओपन है ओपन है ओपन। चलो अपन अंदर चलते हैं, और नहीं है यार भीड़, मेरे को लगा था भीड़ होगी। हेलो मेरे को कुछ क्या पिलाओगे मिस्टर हेमंत जी, चलो इसे इंटरेक्ट करते हैं क्या हो रहा है। वेलकम टू माय बार, वांट अ ड्रिंक हर और टेक इट अवे, ठीक है। ये बोल रहा है तुम्हें ड्रिंक पीनी है कि नहीं, हाँ भाई पीनी है तभी तो आए, ऐसे फोकट में थोड़ी है। प्लीज़ चूज द मेन्यू, अरे ये बोल रहा है मेन्यू चूज करो, मेन्यू तो दे भाई मेरे, नॉर्मल वाटर $40 है, पानी $40 को दे रहा है, इसकी भैंस की, $40 का पानी, गिव मी जूस, $90 का जूस, आई वॉन्ट माई थ्रिस्टी, भाई साले भाग यहाँ से, मैंने बता रहा हूँ आना मेरी शॉप पे किसी दिन, ऐसा मारूंगा ना गाइस, इतना महंगा चीज़ें दे रहा है यार, तभी मैं सोचूँ इसकी शॉप पे भीड़ क्यों नहीं है, हैं साला बार के नाम पे लूट रहा है और बोल रहा है भीड़ नहीं, भीड़ क्यों नहीं है। चलो छोड़ो यार अपन चलते हैं। और भाई यहाँ पे तुम देख सकते हो अभी मेरे $1300 हो गए, यहाँ पे अभी $960 थे और अभी के अभी $1300 हो गए भाई, पैसा यार पैसा बोलते गाइस। फटाफट अपन चलते हैं मिस्टर कंडक की शॉप पे, और कंडक की शॉप देखनी पड़ेगी कहाँ है यार, भाई मेरे को रास्ता तो नहीं पता, लेकिन अपन चलते जाते हैं। और वैसे भाई रात भी होने वाली है और मेरे को भूख भी लग रही है यार, मेरे को कोई सी बर्गर वगैरह शॉप पे रुकना पड़ेगा। और यहाँ पे पुत्री इलेक्ट्रॉनिक है और यहाँ पे मिस्टर कंडक शॉप भी आ गई है, तो अपन यहीं पर अपनी गाड़ी को रोक लेते हैं और गेट आउट हो जाते हैं। अरे भैया गेट आउट क्यों बोल रहे हो यार, हाँ चलो गाइस यहाँ पे मिस्टर कंडक की शॉप पे अपन आ चुके और यहाँ पे अपन एंटर कर देते हैं। ये क्या है, कस्टमर कैंसिल द परचेस, अरे भाई कस्टमर, मैं कस्टमर को आके मारूंगा, कस्टमर बदतमीजी मत करना, हाँ चलो ठीक है। गाइस यहाँ पे आ चुके और भाई यहाँ पे लड़की है क्या, अच्छा बूढ़ी अम्मा है। हेलो मिस्टर कंडक जी, हमें आपके शॉप से सामान लेना है, क्या हम देख सकते हैं। वैसे भाई परमिशन तो देने लिए, लेकिन तो भी मैं देख लेता हूँ। और ये क्या है, लेमन सोडा, भाई यहाँ पे लेमन सोडा है, व्यू प्राइस $299, ओके सेल प्राइस $100। और रे भाई देखो बोल रही है तुम खरीदोगे 299 में, बेचोगे $100 में, मतलब साले मेरा ही तो नुकसान हो रहा है। गाइस मुझे समझ में आ चुका है मिल्क का, ये बोल रहे तुम $209 में खरीदोगे, ठीक है। और ये एक बिकी का $30 में और 10 से, मतलब $300 का फ़ायदा देखा जाए तो भाई 91 डॉलर का फ़ायदा हो रहा है, तो अपन इसको बाय कर लेते हैं, ठीक है। और अब अपनी गाड़ी की डिक्की में रख लेते हैं, इसमें डिक्की खुलती है कि नहीं, अच्छा डिक्की है ही नहीं भाई, बढ़िया इसमें अपन प्लेस कर देते हैं। और भाई अभी ना मैंने मिल्क खरीदा और रात भी हो रही है, तो अपन फटाफट से चलते हैं कि और सामान ले ले, पहले और सामान ले लेते हैं, एक आध सामान और ले लेता हूँ मैं। और क्या दे रहे हैं ये क्या है, गोटियो गाइस, ये गोटियो करके कुछ चीज़ है, व्यू प्राइस $355, ठीक है, एक $50 का। और भाई इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, तो अपन ने ये भी परचेस कर लिया। आंटी जी अभी हम इतना ही सामान परचेस कर रहे हैं, जब हम अमीर हो जाएंगे ना और लेने आएंगे, ठीक है। तो गाइस अब यहाँ पे अपन फटाफट से चलते हैं और इसको भी अपन अपनी डिक्की में रख लेते हैं। गाइस अब मिल्क और घोरी अपन ने अपनी गाड़ी के अंदर रख दिया, अब अपन फटाफट से चलते हैं क्योंकि रात भी हो चुकी है ना, तो अपन यहाँ से फटाफट से चलते अपनी शॉप पे सामान रख के सीधा घर जाएंगे क्योंकि रात हो गई भाई। लेकिन गाइस मेरी शॉप से ना ये मिस्टर कंडक की शॉप बहुत ज़्यादा पास में, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, इधर की साइड ही मेरी शॉप है, कहाँ गई मेरी शॉप, हाँ मतलब थोड़ा सा दूर है, इतनी भी दूर नहीं है, लेकिन भाई पास ही है यार, तो मतलब अपने को सामान लेने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और मैं ठुका जाऊँगा, अरे भाई अभी ठुका जाता मैं गंदा वाला, तो पत्थर में मेरी गाड़ी ठुकती,
हाँ, और वैसे भाई इतनी रात को इतने सारे बंदे किधर घूम रहे हैं? अरे क्या भाई, यहाँ पे गुंडे गुंडे डाकू वाकू आते हैं क्या? अब मेरे को पार्क करने तो भाई, ठीक है। अब अपन ने पार्क करने की जगह, और मेरी गाड़ी उल्टी जा रही है, इसको स्टॉप कर, स्टॉप कर। हाँ ठीक है, इसको अपन ने स्टॉप कर दिया। अरे इसकी अरे लाइट बंद करो ना भाई, पेट्रोल फालतू का यूज़ होगा। हाँ बंद करो इसकी लाइट, ठीक है। इसकी लाइट अपन ने बंद कर दी, और अब इसका पेट्रोल भी कम यूज़ होगा। वैसे पेट्रोल है डीजल है भाई, मेरे को खुद को नहीं पता ये पेट्रोल गाड़ी है डीजल गाड़ी है। चलो चलो अंदर अपन चलते हैं, और ये शॉप को अपन क्लोज कर दें क्या? चलो इसको अपन क्लोज कर देते हैं भाई, क्योंकि रात भी बहुत हो चुकी है, कोई डाकू वाकू आ गया सारा सामान लेके चला जाएगा। तो गाइस यहाँ पे अपन ने दुकान तो बंद कर दी है लैपटॉप पर जाके, और बस अपन अपना सामान रख देते, इसको यहाँ पे अपन प्लेस करते, और वो गोरियों करके जो चीज़ें उसको भी मैं लिया तो कोई उठा नहीं ले जाया, ठीक है। तो अपन फटाफट से उसको लेके आते। और वैसे भाई मेरी कार बहुत गंदी तरीके से मैंने पार्क की है, इसको अपन को ढंग की तरह से पार्क करना पड़ेगा, नहीं तो पता चले रात को किसी ट्रक वर्क ने इसको टक्कर मार दी ना, तो इसकी हालत ख़राब हो जाएगी। वैसे बहुत ही ज़्यादा बेकार गाड़ी यार, इसकी स्पीड तुम देखोगे ना पोलो की, इससे अच्छी तो मेरी मोटर बाइक चलती है। वैसे ये गोरियो है क्या चीज़ यार? वैसे मेरे को भी खाना है यार, ये ओरियो तो नहीं है? पता चले भाई ये ओरियो रियल लाइफ का ओरियो होगा और ऐसे गोरियो होगा, तो मुझे कमेंट में बताना ये है क्या भाई। तो गाइस यहाँ पे अपन ने गोरियो और मिल्क लगा दिया, और वैसे भाई मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और भूख भी लगी। अपन ने सुबह से कुछ नहीं खाया, बस काम किया, और सामने कोई थी शॉप है, इस शॉप से अपन फूड खरीद लेते हैं। और वैसे देखो मेरा हंगरी 41 चले गया, तो अपन इंटरेक्ट करते हैं इससे, इतने में दे रहा है भाई, सस्ता दे दियो यार। इट हेयर वॉन्ट टू व्यू 1 और 2, इफ़ यू बाय 2 आई विल गिव यू यार डिस्काउंट। अबे डिस्काउंट देगा तू? चलो अभी अपन 40, ये अच्छा ये बोल रहा है अगर एक खाओगे तो $40 का देगा, अगर दो खाओगे तो $60 का देगा, मतलब $20 का डिस्काउंट। तो भाई अपन बिजनेस वाले तो अपन डिस्काउंट देखेंगे। और यहाँ पे अपन ने दो खरीद लिया, और अपना हंगरी 2% हो चुका है, और वैसे भाई मैं टायर्ड, मेरे को सोना भी पड़ेगा, 28% हो चुका है, थर्स्टी 56। ये थर्स्टी मतलब अच्छा नहाना पड़ेगा क्या? हाँ मेरे को लग रहा है। और ये इसको भी अपन घर भेज दें क्या भाई? तो घर जा। तो गाइस यहाँ पे अपन इससे बात कर लेते हैं क्या चल रहा है, क्या बोल रहा है, डोंट डिस्टर्ब मी आई एम बिजी। इसकी भैंस की टांग है साले, मैं मैनेजर हूँ, मैं कूट दूंगा यहाँ से, उठा के मैंने उधर सामने फेंक देना तेरे को। भाई बोल रहा है डोंट डिस्टर्ब मी आई एम बिजी, साले मेरी दुकान है, मेरे को बोल रहा है बिजी, मतलब घुटना उठा के मुंडे पे मार दूंगा। हाँ भाई बड़ा बदतमीज एम्प्लॉय यार, इसको हटाऊंगा यार मैं, मेरे को नहीं चाहिए ऐसा एम्प्लॉय यार, हद दे। और वैसे भाई सुबह जल्दी से जल्दी हो जाए यार, मेरे को घर जाना पड़ेगा। एक काम करते हैं अपन घर ही चलते हैं यार। ऑल राइट गाइस यहाँ पे अपन अपने घर पे पहुँच चुके हैं, लेकिन भाई पहुँचते पहुँचते सुबह हो गई देख लो। और वैसे मैं अपनी शॉप तो ओपन करके आ चुका हूँ, तो वो अपना काम करता रहेगा जो भी अपना एम्प्लॉय है, और देखो प्रोडक्ट सोल्ड हो ही रहे। अब मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका हूँ, यानी थक चुका हूँ, तो अब मैं सो जाता हूँ फटाफट से जाके, तो सोने दो भाई मेरे। गाइस आज अपने इस गेम को खेला, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और लिटरली मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत भी की है। तो गाइस आज के लिए बस इतना, मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आ जाए ना लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं कोई अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तो बाय बाय।